राम राम जी। मैं आपका पनाह करो तो क्या दोस्तों, आज आए हैं मोनू सरपंच भाई के पास और मेरा भी दोबारा कमबैक हो रहा है इसी भाई के साथ में, और भाई का नया सॉन्ग आया है उसके बारे में आज बात करने वाले हैं। राम राम भाई। राम राम भाई। सारे भाइया ने एक कह रो तय किया कि देखने वाले से पूरी टीम ने भाई राम राम भाई मोनू सरपंच के रखता भाई। और इनकी मिसिज भी है हमारे साथ में। नमस्कार, मैं कैसे नमस्ते, ठीक हो? तो हूँ। मोनू भाई, आज हम आपके पास आए हैं, तो आप नए कलाकार रहे आए हो इंडस्ट्री के अंदर, तो आपने कौन सा सॉन्ग किया है और कैसा सॉन्ग किया है पहले तो ये बताइए हमें। जी, हमारा न्यू सॉन्ग आया अपना वारदात, और जो कि भाई हमने खुद ने गा रखा भाई, और लाइटर है भाई विकास मैम या मैम तय, और भाई शीतल चौधरी है सिंगर भाई इस लाइन में मेरी में। अच्छा जी, तो अब आपसे थोड़ा हाँ पर्सनली बात करते हैं आपकी लाइफ के बारे में। तो आपकी लाइफ कहाँ से स्टार्ट हुई है और यहाँ तक आपने कैसे सोच लिया कि मैं एक सॉन्ग भी करूँगा? जी, सपना दोनों लो हर बंदे का रो है इस लाइन में खतरे। बाकी मेरा तो बचपन का ही सपना था जी कि मैं खुद का अपना एक सॉन्ग निकालू, और हर चीज सिस्टम देख रखा जी, हर गरीबी सिस्टम में देख कर आज इस सिस्टम तक पहुंचे हैं जी। तो आपकी शादी कब हुई थी? शादी ना जी 1.5 साल हो गए जी हमारी ना जी, अच्छा, वैसे एज कितनी हुई है? 21-22 साल का लगभग जी लव मैरिज या अरेंज मैरिज? ना जी, घर वाले की इच्छा दो जी। अच्छा, अगर जैसे आप सॉन्ग वगैरह में किसी लड़की के साथ में डांस करते हो तो भाभी गुस्सा नहीं होती? ना ना जी, गुस्सा गुस्सा तो कि मैं नहीं जी, बाकी नू है अपने आपस की बात है वे दो। हाँ देख लो गाइस, अभी तो है ना भाभी जी कैमरे पर स्माइल दे रही है, लेकिन जब रूम बंद होता है ना, जब होती है भाई की कुटाई, है ना भाभी जी? नहीं, सच सच बता दो, अभी तो मीडिया वाले बैठे हैं आपके पास में, कुछ नहीं कर पाएगा ये। अच्छा भाई, घर वाले कितने सपोर्ट कर रहे हैं, माँ बाप जो भी आपकी फैमिली के मेंबर हैं? घर वाले फुल सपोर्ट कर रहे हैं जी, बाकी भगवान की दया है, और माँ बाप ने पूरा सारा लगा रखा है जी, और फुल सपोर्ट कर रहे हैं जी माँ बाप अपने लिए। और भाभी जी आप भी सपोर्ट कर रहे हो हाँ ना, तभी तो साथ में बैठे हैं। जी जैसे आपके लिए रिश्ता लेने गए है आपका, आपके पास, आपके घर वालों के पास, तो इन्होंने क्या बोला था? सॉन्ग वगैरह गाता है, डांस वगैरह करता है, ये बोला था क्या? लड़का ये करता है नहीं, तो क्या बोला था? बस अपनी तारीफ करते रहते थे कि मेरे को सारे जानते हैं, मैं मानू सरपंच हूँ, मुझे सब जानते हैं यहाँ पे, मगर से मैं धोखा हो गया क्या आपके आई हूँ जब से तो कोई दिखी नहीं साथ हो। में? धोखे आ जाओ भाई, क्या बोलता है? देख ना जी, सच सच बताओ कोई भाई साहब। धोखाबाज नहीं जी, बाकी अब मार्केट में जावा हाँ, जब आप इतना पूछ सको, जब मार्केट में जावा हाँ, तो भगवान की दया भाईचारा की तरफ तो फुल सपोर्ट मिल रहा है, हर फुल इज्जत करे जी बड़े छोटे। ये तो सच्चाई बाहर आ ली भाई। तो जैसे मोनू भाई तो फेमस होंगे, ठीक है, सॉन्ग वगैरह भी करेंगे लड़कियों के साथ में, आप ये नहीं चाहोगे कि और लड़कियों के बजाय मुझे ले ले, क्यों? मेरे अंदर क्या कमी है ऐसी? ना लेंगे मुझे भी। मतलब आपको पूरा भरोसा नहीं है अभी तो लेंगे लिया नहीं या बुला, नहीं बाद में पता नहीं ले या ना ले। तो अपना सॉन्ग कौन से चैनल पे है भाई? अपना खुद का चैनल है भाई, मोनू राजपूत ग्रुप चैनल पे, मोनू भाई का नाम है यूट्यूब का चैनल है, जो कि खुद का चैनल है मेरा, उससे पाया है तो ये आपका फर्स्ट सॉन्ग है या इससे पहले भी कोई सॉन्ग किया? ना जी। इससे पहले दोनों बैकग्राउंड में काम कर जी, अरमान कश्यप पानीपतिया सिंगर है पानीपत से, जो कि गुरु जी मानते हैं अमित शनि रोहतगिया को, बस जी उनके साथ मैंने बैकग्राउंड में काम किया हुआ है, और ये मेरा फर्स्ट सॉन्ग आ रहा है, जो कि भाई लाडले भाई सारे फुल सपोर्ट करो। अच्छा भाई, आपका ये फर्स्ट सॉन्ग है, तो मैं इंडस्ट्री में आपको पता है काफी घूमता रहता हूँ, तो लोगों के बारे में काफी जानता हूँ, तो उनकी लाइफ में क्या है कि भाई यार दोस्त होते हैं वो बोलते हैं यार क्या धंधा पकड़ दिया था ना, यो मैंने स्किम में सोचा ना है हम खानू परेशान होगा, तो इस डाल के मानस मिले भाई? हाँ हाँ बिल्कुल मिले हैं जी, बाकी नुआ कई जने दब बनाड़ी भी आए थे, फिर आप आधे बयान नहीं करते जी किसी तरह, बाकी अपना जो मन में जो दिल में आ जाए आप खुल्लम खुल्ला करा करा जी। अच्छा, खिंडा आ जाए रस्ते में, खिंडा आ हाँ जाए। बिल्कुल बिल्कुल, मार्केट में आए हाँ तो मार्केट में कुछ करके जावांगे। तो उन लोगों की बात तो कुछ फर्क पड़ा भाई? ना ना आपा ना कोई फर्क नहीं पड़ता जी, अच्छा आपने खुल्ला खावा खुल्ला कमावा, और भाई नुए हरियाणवी सॉन्ग दे देगा मारा बढ़िया जबरदस्त। तो हर चीज के दो पहलू होते हैं, अच्छा और बुरा, तो बुरा कहने वाले भी मिले होंगे और अच्छा कहने वाले मिले हैं। हाँ बिल्कुल मिले हैं जी, अच्छा ही कहने वाले भी मिले हैं, बाकी अपने घर परिवार भी है, भाईचारा भी है जी, बतेरा भाईचारा अपना भगवान की दया है, उन्होंने बस खाली एक के बात कही थी भाई, जो तना सोच लिया वो तू कर, हम तेरे साथ में हैं, सपोर्ट करने वाले कितने लोग हैं भाई? और सपोर्ट करने वाले बहुत बढ़िया जी जबरदस्त, अपने
सपोर्ट वाली बात पा गई तो जी एक के रोते गया बना फुल सपोर्ट कर रहा है एक के रोते गया मैं छोड़ दो, एक के रोते गया तो खुद की सपोर्ट में नहीं है एक के रोते गया छोड़ दो। जैसे आपके यार दोस्त होंगे कुछ खास यार दोस्त हो यार भाई अपनी जिंदगी में, सबकी जिंदगी में आया करे, तो उनके बारे में पूछ रहा हूँ यार। नू तो यार हजारों नंबर तुम्हारे कॉन्टेक्ट में भी, आपके कॉन्टेक्ट में भी हाँ हाँ बिल्कुल जी, अपना लाडला भाई है जी जिस के थ्रू बाकी माँ जाड़ती पहुंचा हूँ, अपना विकास राइटर है मैम थे भाई अपना बढ़िया हरियाणवी सॉन्ग लिखता है शायरी भी करता भाई, बाकी आज उसकी दया था माड़ तक पहुंचा हूँ भगवान की दया तर भाईचारा की तरफ था बाकी भाई, और भाई अपने गुरु जी है अमित सैनी रोहतकिया, और बाकी नो है जी हरियाणवी सिस्टम में लगभग सारे सिंगर अपनी जगह पर बहुत बढ़िया जबरदस्त है जी। सिंगिंग का शौक कब से पड़ा आपको? सिंगर का तो सिस्टम नो है जी बचपन था जी, अच्छा कि गुरु जी की बराबरी आज के टाइम पर कोई नहीं कर सकता, बाकी नो है जी गुरु जी हमारे है अमित सैनी रोहतकिया जी। तो मतलब जैसे गुरु जी की लाइफ आपके वैसे ही आपकी कहीं ना कहीं मिलती जुलती, हाँ क्योंकि जी हाँ जी उनका एक बिल्कुल सॉन्ग जी आया था ब्याह शादियां में प्लेट थाई है, हाँ जी हाँ तो जी वही आपकी लाइफ है हाँ जी उससे। बिल्कुल बिल्कुल जी, मैं खुद ने जी झूठी प्लेट खाई उड़े जी ब्याह शादिया में, और बस पूछो ना। अच्छा भाई आपकी लाइफ का कोई ऐसा मोमेंट जो सबसे खास हो, आपको कभी भूल नहीं सकते, खुशी वाला, गम तो हम देंगे नहीं, क्या हाँ सपना था भाई ये कि वो सपना आज मेरा पूरा हो गया शादी का तो? बस एक सिंगर सिस्टम में सोच रहा था मका भाई अपना, बस मैंने खुद का सॉन्ग निकालना है भाई, आज वो 2024 मजा का पूरा हो गया भगवान की दया और थारे भाईचारा की तरफ से। तो मोनू भाई जो आपका सॉन्ग है माफिया, जैसे कि आपने बताया, तो उसकी दो लाइनें सुनना सुनाना चाहोगे? भाई माफिया गाना मेरा सेकंड सॉन्ग आएगा मेरा इसी चैनल पर, और मेरा जो खुद का माफिया दूसरा गाना है उसकी लाइन है, जब सोलह साल का था नाम डकैती में आया, 10वीं क्लास में स्टाफ ने ठाया, ताता थारा कुछ खून पाछा लाग गया यो कानून, हर कोई बुंडा कह अगर है, हम वो अलबादी बालक सा जिसना रे गुंडा कह अगर है बस बस घना नहीं सुनाते ना, सस्पेंस खत्म हो जाएगा अच्छा जो ये भी हो सुनूंगा, इसके इसकी दो लाइनें सुना दो भाई, लेकिन नू नहीं सुना नहीं भाई, गा के सुनाइए। हाँ बिल्कुल। हाँ तेरा नया नया खून पूरा रखा है जनून के मार पीट त नया रदेज में मिली, मेरा चाचा बदमाश मेरा मामा बदमाश मेरा मामा बदमाश बदमाशी मन डार्लिंग हेज में मिली, मान जाना बात तू छोड़ वारदात, मान जाना बात तू छोड़ वारदात, जिंदगी आहो जा तेरी सांस देख ले, दया ना धर्म मेरे काले से करम, मजबूरी ने बनाया बदमाश देख ले, दया ना धर्म मेरे काले से करम, मजबूरी ने बनाया बदमाश देख और क्या ले दर्द है आवाज में तेरी छोरे, मौज कर दी भाई। अच्छा, भाभी जी आप एक बात बताइए, आपको सिर्फ बदमाशी सॉन्ग चाहिए या फिर कोई लव सॉन्ग, सैड सॉन्ग, ऐसे भी कुछ चाहिए? तो बदमाशी में मुझे इतना शौक है ही नहीं वही कुछ ना कुछ तो, लव सॉन्ग, हाँ इन्हें भी चल सकता सैड, सैड भी चल जाएगा। तो भाई सैड भी लेके आ, लव भी लेके आ, भाई पब्लिक भी वेट कर रही हाँ है, हाँ भाभी जी बिल्कुल भी वेट कर बिल्कुल रही है। बिल्कुल भाई बिल्कुल बिल्कुल, सैड भी लेके आएंगे लाइव भी लेके सब कुछ लेके आएंगे बढ़िया जबरदस्त, बाकी भाई हम सॉन्ग सारे करेंगे आप सबकी दुआ से। और सबसे ज्यादा तुम्हारा भाई वेट कर रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई, हाँ एक बात का और ध्यान रखो भाई, हर महीने में अपना हर सॉन्ग निकलेगा अब। अपने यार दोस्त से मिलवाना चाहोगे आप? हाँ बिल्कुल अपने यार दोस्त है भाई जिसने मतलब देखो इस लाइन खातर मेरा पूरा अंगा लगा रखा है उनने भी, और भाई फुल सपोर्ट करे वे बालक भी, और बाकी भाई उनसे मिलवावांगे जरूर मिलवावांगे अपने, और बाकी भाई अपना सबसे मेन गुरु मानता हूँ मैं लेखक को और मीडिया वाले को। जी, और अपने किसी फैमिली मेंबर से भी मिलवाना चाहोगे? हाँ जी मैं अपनी मेरी दो दादी है जी, मैं अपनी दादी ने मिलवाना चाहूंगा आपसे। हाँ जी, तो पहले किसके पास चले? तो पहले हम चलेंगे दादी जी के पास। चलो गाइस अभी पहले दादी जी के पास चलते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, उसके बाद चलेंगे कमीने दोस्तों के पास। ओके नमस्कार दादी जी। ठीक नमस्कार बेटा नमस्कार, हम सरदार हमारा कारोबार सुथरा चल रहा। हाँ ठाक हो ना आप? ठीक बस ठीक है। चाहिए ठाक तो आपका छोरा सिंगर बन गया, है। अच्छा इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? इसका कम बार मान तो नहीं हुआ, कहना चाहूंगे भाई यो बढ़िया काम चलाओ आपका और बढ़िया शिक्षा दे तरक्की तरक्की करे। अच्छा कर। भाभी ने भी गेला रखा है वो? बाबरी जो गिल है मेरा समझ तबार है भाई। अच्छा फिर हाँ इसने कि मैं शिक्षा दिया करो? इसने शिक्षा के देवा, इसने शिक्षा याए देवा, हाँ बड़े छोटे की कदर करें हाँ भाई, लेना देना अपना जी
किसे का खाओ ना ये नगर ते मेरा के कही नु बोले भाई नु बोला भाई ठीक है तने मेरा तो इंटरव्यू कर लिया अच्छा अरे मेरी दादी का और अच्छा ठीक लगा मेरे खातर दादी है पहला दादी तो बेटा वो आई बात सब किए हूं फिर इसकी गणी तो ये छोरे ना आशीर्वाद दे दिया करो रोजे आशीर्वाद भाई मैंने बोल की चल लगा तो आशीर्वाद तो मैं तो गणाई बड़ा दूंगी बोलता नहीं हो यू मन मछलिया अच्छा जी करे तो बोल लिया ये तो मांग ना अरे ना जी करे तो टाल लेनो वो तो बात है भाई सबका बिजी शेड्यूल आज के टाइम पे लेकिन चलते चलते एक बार प्रणाम तक करे दे रात की ना तो जी दिल तजमा गति करा हां दिल तजमा गति बोलली चली जावा हां दिल तजमा गति अर मार तो वाए बात है जी ये बड़े छोटे भी है सब कुछ मारे तो ये है चिंता रो भाई ना किसी की चोरी मन मेरे बालक ना किसी की जार में हाँ मान के खा लेंगे मन माना तेरा मुंह तो खोस ली हाँ आप ऐसा ही जा करा भाई चाहे तुम भी क्या बात तो मेरे पर बड़ी पंचायत को ठीक ठीक ना तो मेरे बालक में चोरी का बैल ना और बैल ना कोई किसी चीज का बैल नहीं हाँ चीज खोस लेंगे मन माना मुंह तो काट लेंगे खा भाई लाड प्यार है बस ये थोड़ा लाड प्यार मैनू गया अगर मिलजुल कर खावा मिलजुल कर कमावा तो ये यार दोस्त दोरा चला भाई हाँ हाँ बिल्कुल चला है भाई बिल्कुल तो चलते हैं दोस्तों भाई के यार दोस्तों के पास में उनसे मुलाकात करते हैं बातचीत करते हैं चलो चलते हैं तो भाई अभी आ चुके हैं मोनू सरपंच भाई के जो यार दोस्त है जो उनको चाहने वाले हैं दिल से चाहने वाले उनके पास नमस्कार जी नमस्कार जी आपका नाम राजेश कुमार राजेश कुमार नमस्कार जी नमस्कार जी आपका नाम कल्लू जांगड़ा हाँ जी जी नमस्कार जी नमस्कार जी कैसे हो ठीक ठाक आपका नाम मेरा नाम हरीश सैनी हरीश सैनी नमस्कार जी नमस्कार नाम जी आपका राकेश कुमार राकेश कुमार तो आप सभी ने इस भाई का एक सॉन्ग देखा होगा जो अभी आया था रिसेंट में तो उसके बारे में आप लोग क्या कहना चाहोगे गाना बहुत बढ़िया है थोड़ा बदमाशी टाइप नया बच्चा है बढ़िया सॉन्ग है सुनने में मजा आओगा डीजे में बढ़िया बजेगा अच्छा जी हाँ जी बिल्कुल तो आप क्या कहना चाहोगे जी ये सेम कॉपी हाँ जी नमस्कार जी आप क्या कहना चाहोगे सेम कॉपी अच्छा है गाना अच्छा जी गाना सुन के बहुत खुशी हुई अच्छे अच्छे गाने मोनू और दे ठीक है और निकाले बढ़िया गाने जी तो आप ये क्या सोचते हो कि नेक्स्ट सॉन्ग किस टाइप का होना चाहिए बदमाशी का ही होना चाहिए या लव सॉन्ग होना चाहिए या सैड सॉन्ग यही चलते हैं बदमाशी का चलते हैं बाकी नहीं सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है आप क्या चाहते हैं कौन सा सॉन्ग आना चाहिए ऐसा होना चाहिए जो सभी परिवार में बैठ कर देख सके और सुन सके हाँ जी तो आप क्या कहना चाहोगे धार्मिक सॉन्ग हो आपके हिसाब से हाँ वो तो ठीक है बाकी जो भी है आज के टाइम का होना तो चाहिए स्त्री का थोड़ा सा प्यार भरा हो ले भाई हाँ सारे मिल बैठ के देख सके बाकी आजकल के नए नए बालक हैं सारे बदमाशी सॉन्ग कर रहे हैं किसने देखे वो हाँ ई गोली चला दे ई यूं कर दे बाकी उन्हें डाल दे ये चल रहा है रंग जी क्या बोलते हो मठाना रे आपके टाइम में भी सिस्टम खिंडा करती सही से बालक ना ये तो इब्बे चले है ना मोनू भाई आपके चाहने वाले यार हाँ हाँ बिल्कुल भाई दिल ता जमा गति सपोर्ट कर रहे हैं बाकी अरे बस मत नुए दुआ करो ऊपर बस ये सपोर्ट हमारी नुए बनी रहो अरे भाई चला हमारा नुए खुल का चले जाओ अरे भाई जो सिस्टम वाली बात कर रहे हैं सिस्टम नुए पाड़ेंगे अरे भाई जमा गति खुल का ना ठीक है क्यों भाई मैंने इस गाना मैं ना कोई जात पात का बारे में गलत बोल रहा है क्या ना कोई भाण बेटी के बारे में गलत बोल रहा है क्या बाकी जो सिस्टम चल रहा है ना उस सिस्टम के ऊपर हमने गा रखा है अरे भाई एक और जो अपना माफिया गाना होगा भाई इसका भी दासू गाना होगा ना बहुत बढ़िया भाई सिस्टम खिंडाते रहो क्यों टाइम है यार सिस्टम के नाड़ का टाइम है ठंडाओ आगे फिर सेट हो जाएंगे यार बिल्कुल बिल्कुल और मैं क्या कह रहा है एक एज के हिसाब से सारा सिस्टम हां भाई उम्र का हिसाब है एज के हिसाब से भाई सारा सिस्टम का हिसाब है बाकी खासकर गाने और भी देखा हमने ऐसे ही गानों को पसंद करता है जी जैसे बुड्ढा पाना शुरू हो जाता अपने भक्ति वाला में बिल्कुल खाटू श्याम बाबा का भी लाग रहे हैं फिलहाल तैयार करने को रे खाटू श्याम बाबा का भी भजन बड़ी आला देखा मारेंगे अच्छा जी और कुछ कहना चाहोगे आप बस बस ये है भाई छोरा का बढ़िया वो चलना चाहिए तम भी सही हो जो मारा तो पूरा है इतना है उससे फल तुझा हम तो मारा तो परिवार की तरिया है जितने भी हैं अपने अड़े भाई बंधु हैं सारे मिलजुल के और बढ़िया तरिया सपोर्ट दे रहे हैं भाई ने आगे नहीं है इसने बढ़िया कामयाबी मिले हमारी तो यही जी जी तो भाई ये थे मोनू सरपंच महम से और अगर आपका इनके बारे में कोई क्वेश्चन रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए ओके बाय बाय जय हिंद जय भारत।